बिजली निविदा कर्मियों ने किया एक दिवसीय धरना। निविदा कर्मियों ने अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। किराका क्षेत्र के बिजली उपखंड कार्यालय मनियरा पर शनिवार की सुबह बिजली निविदा कर्मियों ने दिनेश के यादव के नेतृत्व में बिजली उपखंड पहुंच धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। इस बाबत मीडिया से बात करते हुए दिनेश यादव ने बताया कि हम लोग विद्युत मजदूर पंचायत के निविदा कर्मचारी हैं। हम लोगों को बगैर कारण बताए किसी भी निविदा कर्मियों को विभाग से हटा दिया जाता है या वेतन काट दिया जाता है या अधिकारियों द्वारा अनैतिक व्यवहार व दुर्व्यवहार के साथ गाली गलौज के माध्यम से बात की जाती है। इसी क्रम में विरोध में हम लोग सभी लोग शांति प्रिय एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही हम लोगों को कोई भी सुरक्षा उपकरण नहीं दिए हैं, जिसके कारण कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो उसका कोई उच्च अधिकारी संज्ञान में नहीं लेता है। इन सभी मांगों को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। धरना प्रदर्शन करने वालों में सुनील यादव, रोबिन, रितेश, लालजीत, रमेश मौर्य, अरुण कुमार यादव समेत अन्य लोग मौजूद रहे। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं ग्राम पंचायत मनियरा के बिजली उपखंड पर लोग उपस्थित होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग विद्युत मजदूर पंचायत के निविदा संविदा कर्मचारी हैं। हम लोगों की समस्या ये है कि हम लोगों को बगैर कारण बताए किसी भी कर्मचारी को कभी भी विभाग से हटा दिया जाता है या वेतन काट दिया जाता है या अधिकारियों द्वारा अनैतिक व्यवहार या दुर्व्यवहार किया जाता है, गाली गलौज के माध्यम से बात की जाती है, दुर्व्यवहार किया जाता है, उसी के विरोध में हम लोग अपना धरना एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किए हैं। उपकरण बिना मिला हम लोगों को कोई सुरक्षा उपकरण नहीं मिला है, जिसके कारण कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो उसका कोई उच्चाधिकारी संज्ञान नहीं लेता है। इन सभी मांगों को लेकर के हम लोग विरोध पर बैठे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश यादव है। किस पोस्ट पे यहाँ काम करते हैं? मैं संविदा लाइनमैन हूँ यहाँ पे। संविदा लाइनमैन जी हाँ।